हेलो दोस्तों, अगर आपको रेविट आर्किटेक्चर के अंदर स्केची व्यू चाहिए तो आप किस तरीके से उसको गेट कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। अभी आपका जो आप ये व्यू देख रहे हैं, ये नॉर्मल आपका रियलिस्टिक व्यू है। आप इसे शेडेड करेंगे तो कुछ इस तरीके से व्यू आ जाएगा। अगर आप इसे हिडन लाइन करेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा। अब मैं हिडन लाइन में चाहता हूँ कुछ स्केची टाइप में व्यू आ जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या है, मैं एक कैमरे व्यू के अंदर हूँ, आप किसी भी 3D व्यू पे भी जा सकते हैं, नॉर्मली किसी भी व्यू को कर सकते हो। मैं एक यहाँ पे 3D व्यू पे हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको विजुअल स्टाइल पे जाना और यहाँ पे है ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन। यही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन। आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टाइल हिडन लाइन रखना है जो आपका यहाँ पे है। इसको स्मूथ लाइंस विद एंटी एलियंसिंग को आपको चेक करना है, इसे ऑफ नहीं करना है, इसे ऑन करना है। उसके बाद आपको जाना है स्केची लाइंस पे और स्केची लाइंस को अनेबल करना है। अगर आप डिसेबल करोगे तो आपको स्केची लाइन नहीं दिखेगी, अनेबल करना है। अब स्केची लाइन में दो चीजें होती है, एक तो होती है जिटर और एक होती है एक्सटेंशन। जिटर का काम क्या होता है कि अगर मैं जिटर की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो व्यू है इस तरीके से स्केची व्यू में कन्वर्ट हो जाता है। बट जब हम स्केची व्यू करते हैं तो आप देखते होंगे जो एक्सटेंशन लाइन होती है वो थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई होती है, तो उसके लिए ग्राफिक पे जाएंगे और हल्की सी हम यहाँ पे स्केची व्यू पे जाके एक्सटेंशन देंगे। अप्लाई करोगे तो आप देखोगे हल्की सी एक्सटेंशन आ गई है यहाँ पे, ताकि इससे क्लियर लगे कि हाँ ये स्केची व्यू है। आप इस एक्सटेंशन को और भी बढ़ा सकते हैं, जिटर को और बढ़ा सकते हैं, तो आपका इस तरीके का व्यू आ जाएगा, एक स्केची व्यू। इसकी वैल्यू को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर व्यू। जैसे भी आपका व्यू है उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ से आप यहाँ से इसकी लाइंस को भी चूज कर सकते हो कि आपको लाइन किस टाइप की चाहिए। आप यहाँ पे अगर आप लाइंस करते हो, अप्लाई करोगे तो ग्रीन टाइप की लाइन आ जाएगी, पाथ ऑफ ट्रेवल लाइंस इस तरीके से आएगी, थिन लाइन अगर चाहिए थिन लाइन कर सकते हो, तो आप यहाँ से लाइंस भी चूज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी भी दे सकते हो जितना आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि आपको अपने प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहिए। और स्मूथ लाइंस का क्या मतलब है कि अगर मैं इसको स्मूथनेस को हटा देता हूं और अब अप्लाई करता हूं, तो आप देखोगे अपने व्यू को वो स्मूथ नहीं होगा, वो कहीं से कट कहीं से कुछ इस तरीके से होगा। अगर आपको स्मूथ इफेक्ट चाहिए तो ग्राफिक पे जाके आप इसे स्मूथ लाइंस पे क्लिक करें, अप्लाई करें, ओके करें, तो आपका एक स्मूथ इफेक्ट यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर मुझे इस व्यू को सेव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। आप यहाँ पे फाइल पे जाइए, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, नीचे आए इमेज एंड एनिमेशन, इमेज पे क्लिक करें, यहां से पहले पाथ चूज करें कि आपको क्या पाथ चाहिए, नाम क्या रखना है, सेव पे क्लिक करें। उसके बाद करंट व्यू चाहिए, विजिबल पोर्शन ऑफ करंट व्यू चाहिए या सिलेक्टेड व्यू को चूज कर सकते हो। अभी मैं करंट व्यू पे क्लिक करता हूँ। और कितना आपको पिक्सल्स रखना है, जितना ज्यादा पिक्सल्स उतनी ज्यादा क्लियरिटी आएगी, तो मैं इसको रख देता हूँ कोई अराउंड 3000। और हाँ, शेडेड व्यू को भी आप टिफ रखेंगे और नॉन शेडेड व्यू को भी टिफ रखेंगे, बिकॉज टिफ अगर आप रखोगे तो आपकी जो क्वालिटी रहेगी वो एज इट इज रहेगी, उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो ये करने के बाद अब आप यहाँ से कर सकते हैं ओके। ओके करने के बाद ये व्यू आपका न्यू फोल्डर में सेव हो जाएगा, और अगर आप न्यू फोल्डर पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप अपना स्केची व्यू यहाँ पे देख सकते हैं। इसका साइज अगर आप देखोगे तो 115 KB का इसका साइज है, और ये दूसरा जो अभी सेव किया है ये आपका साइज यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। डार्क में चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए हल्का सा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और इस तरीके से एक स्केची व्यू रेडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।